आप सभी दोस्तों का स्वागत है फेसबुक लाइव पर। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी मैं श्रीरंगपट्टनम में आया हूँ जो कि मैसूर के पास में पड़ता है। और आप लोगों को मैंने दिखाया कि टीपू सुल्तान जो है गर्मियों के दिनों में यहीं पर आकर के रहा करते थे। और यहाँ का जो नज़ारा है आप पूरा देखेंगे, बहुत समय पहले यहाँ पर अदालत हुआ करता था। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मित्रों, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूँगा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल करने वाले टीपू सुल्तान ही थे। और काफ़ी बढ़िया यहाँ का नज़ारा है। और यहाँ पर जो खूबसूरती है, खास करके आप देखेंगे यहाँ पर हमेशा जो है नए नए पौधों को लगाया जाता है। कुछ समय के बाद उसके बाद कल्टीवेटिंग होती है, उसके बाद फिर से नए पौधे लगाए जाते हैं। और हर एक साल जो है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ के लोग बताने का मतलब क्या है दोस्तों, कि लोग बता रहे हैं, जैसे यहाँ काफ़ी सारे पर्यटक बता रहे हैं, यहाँ के आसपास के लोग बता रहे हैं कि हर एक साल यहाँ पर पर्यटक जो आते हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है। हर एक साल दिन प्रतिदिन जो है यहाँ पर पर्यटकों का आना बहुत ज़्यादा संख्या में, यहाँ एक शुभ संकेत है यहाँ के अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए। और दोस्तों आप लोगों ने देखा, बिल्कुल उस साइड में आपको मैं दिखाना चाहूँगा, काफ़ी सारे यहाँ पे तोपे लगी हुई हैं। और यही जो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैमरे में दिख रहा होगा, यही टीपू सुल्तान का समर पैलेस है जो कि समर के दिनों में आकर के यहाँ पर रहा करते थे। और काफ़ी बढ़िया नज़ारा है यहाँ का दोस्तों। और आप सब मेरे साथ फेसबुक लाइव पर जुड़े, आप सब मेरे साथ फेसबुक लाइव पर मुझे देखे, मैं नए नए जगह पर जाता हूँ, वहाँ से फेसबुक लाइव करता हूँ और आप लोगों को हर एक जगह से मैं वहाँ के बारे में कुछ बताने का पुरजोर कोशिश करता हूँ। कई जगह नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, कई जगह मैं नहीं कर पाता हूँ, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन जहाँ भी दोस्तों मैं फेसबुक लाइव करता हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं हर एक नए जगह से आपको अपडेट देता रहूँगा। अभी कई सारे जगह हैं श्रीरंगपट्टनम में, वहाँ पर भी मुझे जाना है और वहाँ से आपको बताना है उस जगह की खासियत। और जब कभी आपका मूड बनता है, मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि जब कभी आपका मूड बनता है कर्नाटक घूमने का, तो आप मेरे से भी सलाह ले सकते हैं कि कर्नाटक में कौन कौन से जगह जाएँ। पर्यटन के लिहाज से अगर देखा जाए तो कौन कौन सा जगह जो है आपके लिए सही रहेगा। आप सब मेरे साथ बने रहें, मैं हमेशा जो है हमेशा की तरह अगले वीडियो में भी किसी नए जगह से आप लोगों को उस जगह के बारे में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।